प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1964 शनिवार, आठवें पेज के मध्य में बात चल रही थी दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो जगत पिता भी हो जगत माता भी हो। जो गाया जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है तू ही मेरा पिता है, तू या त्वम एक को कहा जाता है, दो को नहीं। वो जगत पिता भी हो जगत माता भी हो और जगत गुरु भी हो, जगत शिक्षक भी हो, एक ही हो। अभी तक क्या सुनते आए मुरलियों में, कि वो परमपिता हमारा बाप भी है टीचर भी है और शिक्षक भी है। आज क्या नई बात निकली? बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है और जगत माता भी है। वो कैसे? कोई नहीं है? माँ के द्वारा तो, लेकिन एक ही है राम वाली आत्मा के द्वारा। माता कैसे है? पहले भी इशारा तो दिया था कि ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। परंतु जो अनेकों ब्रह्म है उनमें कोई परम ब्रह्म होगा या नहीं होगा? वो परम ब्रह्म कौन? मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो पहले पहले किसमें प्रवेश करते हैं? बाप के रूप में। बाप प्रवेश करता है तो क्या करता है? बीज डालता है। इसलिए गीता में बोला है हम बीज प्रदप्पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। काहे में? किसमें? मनुष्य सृष्टि में। अरे बीज किसमें बोता हूँ? माता में। कौन है माता? जगदम्बा। जगदम्बा में बीज बोता हूँ।
मैं पिता ज्ञान का बीज किस में बोता हूं? जगत माता में तो नहीं। अगर जिसे जगदम्बा कहा जाता है उसमें ज्ञान का बीज बोया होता तो साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला होता ना? मिला? नहीं मिला। तो किस में बीज बोता हूं? परम ब्रह्म में। जो कहा जाता है तुमेव माता च पिता, कहते भी हैं परम पिता बाद में परमात्मा। पिता क्यों? परम पिता पहले क्यों, परमात्मा बाद में क्यों? परमात्मा परम पिता कह दें है तो ना बाबा। माता को आगे नहीं रखेंगे, बीज बोने वाले पिता को ही आगे रखा जाता है। तो बच्चे से पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो किसका नाम पहले बताएगा? बाप का नाम बताएगा, क्योंकि बीज बोने वाला तो बाप ही होता है। तो परम पिता पहले परमात्मा बाद में, माना जो परम पिता शिव है वो प्रवृत्ति मार्ग का पिता है या सिंगल है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का पिता है, तो उसके साथ नाम भी किसका जुड़ा हुआ है? टाइटल किसका जुड़ा हुआ है? परम पिता परमात्मा। और स्वयं प्रवृत्ति मार्ग का परिचायक है तो प्रवृत्ति मार्ग का ही धर्म स्थापन करता है। इस सृष्टि पर भी अकेले तो नहीं होता, भले तीन मूर्तियां भी साथ होती हैं परंतु तीन मूर्तियों में तीनों रचयिता है या रचना भी है? कौन कौन? जो मुरली में पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, अकेले ब्रह्मा के लिए क्यों पूछते, विष्णु के लिए क्यों नहीं पूछते? क्योंकि ब्रह्मा सोई विष्णु बनता है, इसलिए विष्णु का बाप पूछने की दरकार नहीं है। तो त्रिमूर्ति के साथ आते हैं और उन त्रिमूर्ति में एक क्रिएटर है रचयिता और बाकी है रचना। तो क्रिएटर और क्रिएशन दोनों साथ साथ हैं, एक में ही हैं या अलग अलग हैं? है? अरे इतनी देर जवाब देने में, जबकि कहा जाता है परमपिता परमात्मा। क्या कहा जाता है? परमपिता परमात्मा और आगे
शिव, परमपिता परमात्मा कौन? शिव है ना, शिव माना कल्याणकारी, तो एक ही कल्याणकारी हुआ या अलग अलग हुए? प्रैक्टिकल साकार रूप में देखा जाए तो एक ही है, परमपिता शिव परमात्मा कहा जाता है। हाँ जी बोलो बोलो। तो परमपिता परमात्मा शिव से अच्छा परमपिता शिव परमात्मा सही है? परमपिता शिव परमात्मा कहना सही है या परमपिता परमात्मा शिव कहना था? जो परमपिता है वो परमपिता ज्योति बिंदु बिंदी का नाम नहीं है, बिंदी है क्या? जब हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, आत्माओं में परम कौन? आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आई हैं, उन आत्माओं में परम पार्टधारी कौन? प्रजापिता। जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है वो ही परमात्मा, और उसका भी बाप कौन? तो वो हो गया परमपिता। लेकिन जब इस सृष्टि पर हैं तो दोनों ही आत्माएं एक ही शरीर से प्रत्यक्ष होती हैं या अलग अलग शरीरों से प्रत्यक्ष होती हैं? एक ही शरीर से प्रत्यक्ष होती है, तब कहा जाता है परमपिता परमात्मा। और जो परमपिता परमात्मा है वो ही जगत पिता है, जगत माता है, जगत गुरु है, और सारे जगत का शिक्षक भी है। मद्रास में नाम है, प्रूफ बताया, आज भी मद्रास में कंबाइंड नाम है, दो नाम इकट्ठे, भक्त वत्सलम। तो भक्त अलग और भक्त वत्सलम अलग, भक्त दर्शनम, नाम तो है ना, ऐसे ऐसे नाम भी देते हैं, ऐसे तो लक्ष्मी नारायण भी अपने को कह दें। वो भी नाम तो होते हैं, कोई का नाम लक्ष्मी नारायण होता है या नहीं? है? होता है, दोनों नाम कंबाइंड कर दिए तो एक का नाम दो क्यों रख दिया? कहां की यादगार? कैसे है? जब परमात्मा में प्रवेश करते हैं तो एक हो जाते हैं, इसीलिए सुप्रीम सोल जब आते हैं तो जिस साकार में प्रवेश करते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन दो दो नाम गाए जाते हैं, जैसे शिव शंकर, और शिव शंकर एक है क्या? शिव आत्मा अलग, वो तो सदैव बिंदी है,
और शंकर क्या सदैव बिंदी है? साकार है? साकार नहीं, वो तो साकार भी है फिर आकार भी हो जाता है पुरुषार्थ कंप्लीट होने पर, और मध्य में आकार ही भी बनता है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाला तो दोनों को मिला के एक नाम रख देते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो, शंकर वो शिव शंकर कहो, नहीं तो कहां श्री लक्ष्मी। नारायण कहां, वो अपन को भिखारी चट्टू कह देते हैं, क्या कह देते हैं है? वो भक्त लोग हैं जो भिखारी चट्टू हैं, अपन को क्या कह देते हैं, क्या नाम धराई देते हैं? ए शिव शंकर भाई इधर आना, शिव शंकर काहे देते हैं ना, लक्ष्मी नारायण भाई नाम रख दिया ना, दो नाम है एक नाम है, है? दो नाम है, अगर नाम काम के आधार पर हो तो दोनों अलग अलग होंगे एक एक होंगे, है? अलग अलग होने चाहिए। जो एक नाम रख, वो एक के ऊपर दो दो नाम रख देते हैं, वो सब क्या बताए, बाबा ने उनको क्या टाइटल दे दिया है? भिखारी टट्टू। टट्टू किसे कहा जाता है? है जो सामान्य गधे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर वजन बहुत लादा जाता है। हल्के हल्के रहेंगे या वजन महसूस करेंगे? अरे पेट लचक लचक के चलता है या घोड़े की तरह चलता है? हैं? लचक जाता है। और जानवरों की बात है यहाँ या मनुष्यों की बात है? हैं? मनुष्यों की बात है। कोई मनुष्य इतना भारी होकर के चलता है जीवन में कि जैसे लगता है कि जाने कितने जन्मों का पाप का बोझा चढ़ा हुआ है, और कोई कोई हल्का फुल्का रहता है, हल्का फुल्का रहता है या घड़ी घड़ी डिस्टर्ब होता है? है हल्का फुल्का रहता है। तो देखो वो तो भिखारी टट्टू, अपना नाम रख देते हैं लक्ष्मी नारायण शिव शंकर सीताराम। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? पूछा किससे? पूछा अरे बाबा ने एक से पूछा होगा या अनेक से पूछा होगा? अरे इतनी सी बात का जवाब नहीं। तुम्हारे नाम क्या है? तो अनेक से हुआ, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? तुम्हारा नाम क्या है माने किसी पर्टिकुलर की तरफ बाबा ने देखा और पूछा, क्या पूछा? तुम्हारा नाम क्या है? सो भी आजकल श्री लक्ष्मी नारायण देखा, आजकल श्री ने टाइटल दे दिया है सबको। टाइटल देने वाला कौन?
श्री, श्री माने कौन? लक्ष्मी। श्री किसका नाम है? है श्री नाम किसका है? श्री टाइटल किसका है? नारायण का भी टाइटल तब पड़ता है जब किसका आवाहन करना है, है? विजय माला के बगैर नारायण का टाइटल भी श्री नहीं मिल सकता। तो पहला पहला टाइटल श्री किसका हुआ? लक्ष्मी का हुआ। श्री माना श्रेष्ठ, इस बात में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं, योग में श्रेष्ठ है। अरे लक्ष्मी ज्ञान में श्रेष्ठ है या योग में श्रेष्ठ है? न ज्ञान में न योग में, फिर पवित्रता में। दुनिया के सारे कार्य पवित्रता की पावर से होते हैं। अगर बाप को भी प्रत्यक्ष करने का काम है तो कब होगा और कौन सी पावर से होगा? है पवित्रता की पावर होनी चाहिए तभी प्रत्यक्षता होगी। ऐसे नहीं जैसे हैदराबादियों ने क्या किया, फोटो छपाई दिए त्रिमूर्ति में, तो क्या फोटो छपाने से पवित्रता वो प्रत्यक्षता हो जाएगी? है कोई फोटो छपा दे तो प्रत्यक्ष कर लेगा? क्यों नहीं कर लेगा? हम लाखों की तादाद में फोटो छपाएंगे और फोल्ड करके हेलीकॉप्टर से गिराएंगे जहां बड़ा बड़ा मजमा लगता हो लाखों की तादाद का, तो बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है प्रैक्टिकल नहीं। कारण क्या है? क्योंकि जो ऐसा करने वाला है उसमें वो प्योरिटी की पावर नहीं है जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करे। आजकल कुत्ते बिल्लों को भी श्री कह देते हैं। क्या किनको? कुत्ते क्यों कहा? जानवरों को श्री कहा जाता है क्या? है मनुष्य के वेश में जानवर या जानवर के वेश में मनुष्य? मनुष्य के वेश में जानवर होने के लिए बोला कुत्ते माने है भिकारी। हाँ भिकारी, कैसे भिकारी? साधारण भिकारी नहीं है, कुत्ते की तरह। आज एक कुतिया के पीछे कल कल दूसरी कुतिया के पीछे, डाइवोर्स दे दिया पहली वाली को, दूसरी वाली ले ली, और परसों तीसरी। तो कुत्ते बिल्ली को भी कह देते हैं श्री। मुसलमान हिंदू सबको कह देते हैं श्री। अभी यह श्री तो सिर्फ भारत के देवता बनते हैं, क्या कौन बनते हैं? भारत के देवता माने लंदन के देवता नहीं है, अमेरिका की नहीं, अमेरिका की नहीं, और कोई भी देश के नहीं। क्या नाम दिया? इंडिया की क्यों नहीं कहा? है अरे भारत का नाम इंडिया भी तो दे सकते थे, है? अरे इंडिया के देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि इंड करने वाली आ तो इंडा, कौन होगी इंड करने वाली? अब व्यक्तवाणी में बोल दिया भारत माता
शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो वो अंत में आई है तो नाम क्या रख दिया है? इंडिया। अरे नाम रखा ना इंडिया, किसने नाम रखा? अरे विदेशियों ने, जिन्होंने परतंत्र बनाया उन्हीं विदेशियों ने नाम रखा इंडिया। तो देखो भारत के देवता बनते हैं श्री, एक या अनेक हैं? है शब्द लगाया ना, है एक के लिए कहा जाता है या अनेक के लिए? है तो अनेक के लिए कहा जाता है और है एक के लिए। माने भारत में बहुत से हैं जो देवता बनते हैं। भारत के क्यों कहा है? इसलिए कहा कि जो भी देवता बनते हैं वो ईश्वर के दी हुई ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करते हैं, विचार करते हैं, उस ज्ञान में रमण करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो भारत के देवता बनते हैं, और देश के तो इन बातों पर विचार करते ही नहीं। और तो कोई इतना श्रेष्ठ बनते ही नहीं। इतना माने कितना है? जितना भारत के श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप क्या कहा, इतना श्रेष्ठ दूसरे विदेशी नहीं बनते जितना भारत के बनते हैं। माना कुछ न कुछ श्रेष्ठ बनते हैं या नहीं? बनते तो हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे अपने अपने मजमे में, श्रेष्ठ तो कहेंगे, परंतु उनसे भी श्रेष्ठ उन सब विदेशी या देशी धर्म पिताओं से, विधर्मी धर्म पिताओं से श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पिता। फिर वो रचना किसकी करेंगे? जब परमपिता सब धर्म पिताओं से श्रेष्ठ है तो किसकी रचना करेगा है? श्रेष्ठ की ही रचना करेगा, साधारण श्रेष्ठ नहीं। धर्म पिताएं और उनके धर्म में जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं उन सब के मुकाबले जास्ती श्रेष्ठ की रचना करेगा। तो देखो या तो फिर जानवर के ऊपर भी श्री श्री टाइटल दे दिया, कुत्ते बिल्लियों के ऊपर भी श्री, नहीं तो श्री माना ही श्रेष्ठ। कुत्ते बिल्लियों के ऊपर श्री नाम दे दिए, कोई पूछे मिसाल दो तो क्या मिसाल देंगे? अरे कोई नाम बताएंगे भी नहीं क्या? बताएंगे तो बताओ क्या नाम बताएंगे? अरे
नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। बाबा ने तो नाम बता दिया, क्या है? श्री फर्रुखुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति का नाम है ना, है उसका नाम दे दिया। श्रेष्ठ कौन बनाते हैं? फर्रुखुद्दीन अली अहमद, उनको श्रेष्ठ किसने बनाया होगा जो भारत के राष्ट्रपति बने? उस आत्मा की बात है, उस आत्मा को इतना श्रेष्ठ किसने बनाया होगा जो आखिरी जन्मों में आकर के भारत का राष्ट्रपति बना? किसने बनाया? अरे है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, उस आत्मा की बात बताई। परमात्मा ने श्रेष्ठ, परमात्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो देवता बनाएगा या मुसलमान बनाएगा? जो तो देवता बनाएगा, मुसलमान थोड़ा ही बनाएगा। भगवान मुसलमान बनाने आता है क्या? है नाम क्यों रखा मुसलमान? है अरे वो भ्रष्ट इंद्रियों को ही ज्यादा मान्यता देते हैं, इसलिए नाम रखा है मुसलमान। किसको मानते हैं? है मुसल को मानते हैं। अरे भारतीय परंपरा में दोनों की पूजा होती है या एक की होती है? जलाधारी भी साथ में है, शिवलिंग भी साथ में है, और वो मुसलमान सिर्फ एक को मानते हैं। तो पूछो, श्री फर्रुखुद्दीन अली अहमद को श्रेष्ठ किसने बनाया पहले पहले? है अरे कभी बनाया या नहीं बनाया? सृष्टि की रचना काल है या कोई नहीं है? नहीं है। जब सभी आत्माओं के अनेक जन्मों के पार्ट निश्चित हो जाते तो जरूर संगम युग में बनाया, लेकिन किसने बनाया है? हाँ ठीक है, मुसलमान भी पहले क्या थे? इस्लामी थे ना, और इस्लामियों को जन्म देने वाला इब्राहिम ही था ना, उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहें या सिर्फ श्रेष्ठ कहें? है श्रेष्ठ कहें, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। तो देखो डबल श्री आकर के श्री अर्थात देवता बनाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सो तो है ही देवता। क्या इससे तुलना की? यहां देवताओं की तुलना किससे की? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो है ही देवता, इन देवताओं की तुलना किससे की? है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के जो धर्म पिता है, जो धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे तुलना की देवताओं की, कि वो देवताएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाप कहते हैं अभी असुरों ने
जो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए, उन्होंने बैठ करके अपन को सी टाइटल दे दिया है। नहीं तो आगे पहले क्या कहते थे, पहले मिस्टर एंड मिसेज वगैरह कहते हैं, अभी तो साहब को श्री टाइटल दे दिया। तो ये धर्म की ग्लानी हुई या नहीं हुई? ये हुई धर्म की ग्लानी, इसको ही कहा जाता है ना धर्म ग्लानी। बिल्कुल बुद्धू बन गए अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल, फिर वो ही टाइटल बैठ करके अपन को दे जाते हैं और देते जाते हैं। उसमें वो साधु सन्यासियों को भी मजा आ गया है, तो वो भी अपन को श्री श्री 108 कहने लग पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे ये धर्म ग्लानी है, इसलिए ये पहले ही कहते हैं। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा गुरु है, समझते हो कि हमारी सदगति करेंगे? क्योंकि किसे कहते हैं क्योंकि ऊंचे से ऊंचे मर्तबा गुरु का रखा जाता है ना। गुरु है सदगति करने वाला। अब ये गुरु तो तुम्हारी सदगति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सबका सदगति दाता एक। राम क्यों नाम रख दिया? क्योंकि रावण नाम है ना वहां का, माया का। रावण किसका नाम है? वहां का माने कहां का है? भविष्य में पार्ट चलने वाले। उस भविष्य का नाम तो बताओ। रावण नाम है ना वहां का, माया का। अरे नहीं पता वहां का माने किस तरह की इशारा किया? अरे माया कब से आती है? तो कहां का हुआ? द्वापर युग का रावण का नाम हुआ। सीढ़ी के चित्र में दिखाया है ना, रावण की जंजीरें कौन से युग से? द्वापर युग से। बांधा बूंदी करना, नियम कानूनों में बांधना। एक नियम कानून के ढेर के ढेर, एक जंजीर के ढेर की ढेर जंजीरें हैं, ढेर की ढेर जंजीरें। बाप सिर्फ एक ही जंजीर में बांधते हैं अपन को, आत्मसम्मान। सत्ययुग में सब देवताएं मन बुद्धि से कहां बंधे हुए होते हैं? आत्मिक स्थिति में। और तो कोई जंजीर नहीं होती, होती है? कोई जंजीर नहीं। तो ये वहां का माया का नाम है। तो राम कह दिया है,
बाकी मेरा नाम भले राम भी कहो तो भी है तो बिंदी निराकार ना है? पहले तो कहा मेरी बिंदी का ही नाम है शिव, फिर राम भी क्यों ऐसे क्यों कह दिए? अब दो दो नाम हो गए है? राम भी कहो भले तो भी है तो बिंदी निराकार ना ऐसे क्यों कह दिया? दो नाम कैसे हो गए? अरे निराकारी राम जो सदैव निराकारी है बिंदी है जिसका नाम शिव ही है एक ही नाम शिव है बता दिया ना, तो ये दूसरा नाम कहां से टपक पड़ा? अरे राम राम भी तो शिव प्रवेश करते हैं। क्या कहा? रावण आत्मा प्रवेश करता है। रावण की आत्मा प्रवेश करती है, राम की आत्मा में शिव प्रवेश करता है। अच्छा, राम की आत्मा में जब शिव ने प्रवेश किया तब राम नाम पड़ा? नहीं, यहाँ तो बोला है राम भी कहो तो भी है तो बिंदी निराकार ना। जब राम में प्रवेश किया तो वो निराकार था क्या? राम निराकार था तो तब तो साकार था। 36 में कहो तो भी साकार और 76 में कहो तो भी साकार है। तो ये राम नाम कब से पड़ा? कब से सिद्ध हुआ राम? अंत में जब राम वाली आत्मा का पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, वो पक्का निराकारी स्टेज वाला बन जाता है, तो नाम क्या पड़ता है? राम। क्यों? शिव नाम पढ़ना चाहिए, शिव क्यों नहीं? सब लोग उसी में रमण करते हैं। उसी में रमण करते हैं, शिव बाबा में कोई रमण नहीं करता। अंतिम में गायन होगा है, अंतिम में जो पाठ खुलेगा नाम का। अरे 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं निराकार में रमण नहीं करती कि साकार में रमण करती है? साकार तो है बाबा, साकार में लास्ट में तो राम जिस साकार में अगर कोई रमण भी करता है तो भी क्या वो हो जाता है? वो भी निराकारी स्टेज वाला हो जाता है। तो वो भी निराकार हो गया ना, कौन? राम। इसलिए बोला भले राम भी कहो तो भी है तो बिंदी निराकार ना, क्योंकि वो जो सीता वाला राम है वो तो अपना सुख का वर्षा लेते हैं। क्या वो नाम कब का है? दो कला कम का है या संपन्न स्टेज का नाम है? वो तो दो कला कम का नाम है। वो कभी कोई दुख नहीं देते हैं जिसे निराकारी कहा जाता है, है? जब सदाकाल की निराकारी स्टेज बन जाएगी अहंकार दे अहंमान रह जाएगा। जब देवान भी नहीं रहा तो किसी को दुख देंगे है? कर्मेंद्र से दुख देंगे नहीं, वाचा से देंगे नहीं, दृष्टि से देंगे नहीं देंगे, वाइब्रेशन से दुख देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये तो बच्चों ने बैठ करके चिटचैट लगाई है। क्या कौन सी चिटचैट लगाई है?
अरे तुम बच्चों ने ही बैठ करके द्वापर युग में रामायण कथा लिखी ना, तो ये चिटचैट लगाई है, जैसे कि शास्त्रों में चिटचैट है। तो बाप कहते हैं ये भारत के शास्त्र सभी झूठे हैं, बाकी धर्म वाले जानते हैं कि बरोबर हमारा धर्म फलाने के फलाने संबत में रचा। हिंदू धर्म वालों के अलावा दुनिया में कोई ऐसे धर्म है या धर्मावलंबी हैं जो ये न जानते हो कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, कब रचा गया? है कोई? नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि फलाने संबत में हमारा धर्म रचा गया, सिर्फ भारतवासी नहीं जानते। झूठे होने का कारण क्या बताया है? ये शास्त्र सभी झूठे हैं, उसका मूल कारण क्या बताया है? नहीं, यहां इशारा दिया कि शास्त्र इसलिए झूठे हो गए कि शास्त्रकारों को या उनकी व्याख्या करने वालों को, रामायण शास्त्र हो चाहे महाभारत शास्त्र हो चाहे भागवत शास्त्र हो, वेद उपनिषद कुछ भी हो, उनके टाइम का सही पता नहीं है। टाइम का ही पता सही नहीं है तो सब शास्त्र झूठे। रामायण लिख दिया त्रेता में, त्रेता में राम सीता रावण हुआ, और महाभारत द्वापर में लिख दिया, द्वापर में हुआ महाभारत। तो अपने संबत का ही पता नहीं है। अच्छा, फिर बाकी जो आदि सनत देवी देवता असुल मुख्य धर्म असुल मुख्य भारतवासी हैं, वो बेचारे भूल गए हैं। ये देवताओं के पास जाते तो हैं, परंतु विचारों को पता नहीं है श्री लक्ष्मी नारायण ने कब राज्य किया है? शास्त्रों में क्या लिख दिया है? अरे शास्त्रों में लिखा तो है ना, लक्ष्मी नारायण ने कब राज्य किया? सतयुग में राज्य किया। अच्छा, पहले लक्ष्मी नारायण ने किया या दूसरे तीसरे चौथे ने किया सतयुग में? बाद वाले लक्ष्मी नारायण जिन्होंने टाइटल लिया उन्होंने किया सतयुग में राज्य। लेकिन शास्त्रों में जो भी बातें आई हैं, जिन लक्ष्मी नारायण की बात आई है उनका वर्णन किस समय का है? संगम युग का वर्णन है। तो लक्ष्मी नारायण ने कब राज्य लिया, कैसे लिया? जो भारत की हिस्ट्री में 2500 साल तो लड़ाइयां लड़ लड़ के राज्य लिया है। कैसे लिया है? हिंसक लड़ाइयां लड़ के राज्य लिया है। तो लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया? किससे हिंसा की लड़ाई ली लड़ी? कोई से हिंसा की लड़ाई लड़ी क्या? नहीं। अच्छा,
लक्ष्मी नारायण का देवी देवता सनातन धर्म फिर किसने स्थापन किया? लक्ष्मी नारायण का तो नाम नहीं लेते हैं। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कह दिया है, ये भी नहीं बताते कि विष्णु ने धर्म स्थापन किया। बड़ा किसने इनके कर्म बनाए? इन लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ कर्म किसने बनाए? किसने श्रेष्ठ कर्मों की शिक्षा दी? इतने ऊंचे कर्म कोई ने तो बनाए होंगे ना। ये सतयुग के आदि में, ये कलयुग अंत में देखते हो क्या क्या है? सतयुग के आदि में देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण, और कलयुग के अंत में कला ही। अभी तुम महसूस करते हो कि आज क्या है और कल क्या था। आज बिल्कुल नरक कौड़ी तुल्य, और कल लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। तो ये राजधानी कैसे होती है? जरूर कुछ तो होगा ना। तो कोई भी नहीं जानते हैं, सिर्फ अब तुम जानते हो कि बरोबर बाप फिर से आज सनातन देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगाए रहे हैं। क्या लगाए रहे हैं? ये सैंपलिंग क्या होता है? है? अरे सैंपलिंग पौधों की लगाते हैं तो क्या करते हैं? काई की काई में कलम लगाते हैं। अरे 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 कलम लगाते हैं तो दो डंडियां बांध करके फिर उनको एक डंडी बनाते हैं ना। दो डंडियों को बांधा जाता है ना, एक पुरानी डंडी और एक नई डंडी। सैंपलिंग बाप लगाए रहे हैं। कैसे? झाड़ में दिखा दिया है। कैसे लगाए रहे हैं? है? पुराना मन कलयुग के जो बिल्कुल अंत में पत्ते पहुंचे हुए हैं, एकदम लास्ट में, उस ऊपर के हिस्से को उठा करके कहाँ लगा दिया है? पुरानी जड़ के पास लगा दिया। एड़ी और चोटी को मिला दिया। पुरानी दुनिया की, इस कलयुग की पुरानी दुनिया की सबसे पुरन खंडी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को उठाया और कहां जोड़ दिया है? कहां जोड़ा? हा, ये कांग्रेस लोग तो वो झाड़ का, जंगल का सैंपलिंग लगाते हैं। और बाप है जंगल का सैंपलिंग लगाते हैं या फूलों के गार्डन का सैंपलिंग लगाते हैं?
आगे ये सैंपलिंग नहीं थी। अभी देखो बाबा यहां आए हैं ना, ये देवी देवताओं की सैंपलिंग लगाए रहे हैं। कौन लगाए रहे हैं? बाबा आए हैं या चले गए? क्यों? ब्रह्मा के तने में आए थे फिर चले नहीं गए और सैंपलिंग लग गई? क्या क्या सैंपलिंग लग गई है? जो सैंपलिंग लग गई वो क्या दिखाती है? अच्छा, कांग्रेस राज्य स्थापन हुआ, बाहर की दुनिया की देख लो। तो जो कांग्रेस राज्य स्थापन हुआ और रावण राज्य स्थापन हुआ कि राम राज्य स्थापन हुआ? राम का नाम पड़ता है तो राम होना चाहिए या रावण होना चाहिए? अभी भारत में कोई कहेंगे कि राम राज्य स्थापन हुआ, स्वतंत्रता मिली है? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन सा राज्य स्थापन हुआ? रावण राज्य स्थापन। तो क्या गांधी जी रावण थे? अगर कोई बोले तो कांग्रेस के लोगों का बस चले तो उठा के जेल में ही पटक दे।